बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन बायोलॉजी सीरीज, सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 15, लेक्चर नंबर 10। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट्स। मीन के डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर, डिफरेंट हैबिटेट के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनमें कौन सी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पैदा होती है। तो इसको हमने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। याद रखिएगा कि अब यहाँ पर जो एनवायरनमेंट या हैबिटेट्स हैं वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पर। वाटर की क्वांटिटी कितनी मौजूद है या कितने वाटर को वो कंज्यूम कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम अमोनिया के बारे में बात करते हैं। अमोनिया इन तमाम नाइट्रोजनस वेस्ट में से या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। क्यों टॉक्सिक है? क्योंकि ये बॉडी फ्लूइड्स के अंदर बहुत तेज़ी से डिसॉल्व हो जाता है। अब ये बॉडी का पार्ट अगर तेज़ी से बनेगा, सेल और टिश्यू का पार्ट बन जाएगा, तो सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर ये क्या करेगा, टॉक्सिसिटी पैदा करेगा, मुख्तलिफ किस्म की कम्प्लिकेशंस आएंगी जिससे ह्यूमन की जो एक होम्योस्टेसिस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर इसको लो क्वांटिटी में रखना ज़रूरी है या इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। और इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें वाटर की क्वांटिटी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। यानी हमारी बॉडी में इसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाटर का ज़्यादा अवेलेबल होना ज़रूरी है। और ये कहाँ पर होगा? हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का ये मतलब है कि वहाँ पर सोल्यूट्स की क्वांटिटी कम होगी एज कंपेयर टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर, जस्ट लाइक फ्रेश वाटर के अंदर। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए 500 मिलीलीटर वाटर की ज़रूरत होती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में अमोनिया को एलिमिनेट करते हैं उनको हम अमोनोटैलिक कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम अमोनोटैलिक कहते हैं, यानी रिमूवल ऑफ अमोनिया, दिस इज कॉल्ड एज अमोनोटैलिक। उसके बाद यूरिया के हवाले से, अब यूरिया जो है ये लेस टॉक्सिक है एज कंपेयर टू अमोनिया, बट इट इज मोर टॉक्सिक एज कंपेयर टू यूरिक एसिड। अब ऑर्गेनिजम्स जो यूरियोटैलिक हैं वो यूरिया बनाते हैं यूरिया साइकिल के थ्रू। यूरिया साइकिल कहाँ पे बनता है? ये प्रोसेस अकर होता है लीवर के अंदर, लीवर के माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स के अंदर। अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। अब लाजमी बात है कि ये अमोनिया की निस्बत लेस टॉक्सिक है, वाटर भी यहाँ पर कम होगा। यानी अगर आपके पास वाटर की क्वांटिटी कम है तो उससे काम चल सकता है। कंपेयर करें कि अमोनिया के 1 ग्राम को रिमूव करने के लिए 500 मिलीलीटर वाटर रिक्वायर था, लेकिन 1 ग्राम यूरिया को रिमूव करने के लिए 50 मिलीलीटर वाटर की हमें ज़रूरत होगी। यानी कि अगर शॉर्ट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, जस्ट लाइक टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर होता है, तो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सरवाइव कर सकेगा। अब वो ऑर्गेनिज्म जिनमें नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया की फॉर्म में प्रोड्यूस होती हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म यूरियोटैलिक कहलाते हैं। और ऐसा प्रोसेस जिसमें यूरिया को एलिमिनेट किया जाएगा वो प्रोसेस यूरियोटैलिक कहलाएगा। उसके बाद यूरिक एसिड। अच्छा, यूरिक एसिड से पहले अगर हम बात कर लें कि ये जो अमोनिया है, ये साइकिल आप देख रहे हैं कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड शंट होंगे इनटू द साइकिल, और ये कन्वर्ट हो जाएंगे सिट्रोलिन में। सिट्रोलिन आगे आर्जिनिनो सक्सीनेट में कन्वर्ट हो जाएगा सप्लेट होकर, फिर आर्जिनिनो सक्सीनेट ये सप्लेट होकर आर्जिनिन बनाएगा और यूरिया बनाएगा ऑर्जिनेस एंजाइम की मदद से, और उसके बाद ये आगे फिर सप्लेट होगा ऑर्निथिन में और दोबारा से साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। याद रखें कि यूरिया साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं, ऑर्निथिन साइकिल।
और क्यों कहते हैं, क्योंकि यूरिया भी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है और ऑर्निथिन भी प्रोड्यूस हो रहा है, इसी वजह से हम इसको यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। तकरीबन कहते हैं कि 4 ATP, कुछ बुक्स में 3 ATP भी लिखा हुआ है कि यूरिया की फॉर्मेशन में 4 ATP या 3 ATP की रिक्वायरमेंट होती है इस साइकिल को कंप्लीट होने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इन सब में लेस टॉक्सिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट है। जो ऑर्गेनिज्म जिनको वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है या जो बहुत ही कम क्वांटिटी में वाटर को कंज्यूम करते हैं उनमें यूरिक एसिड की प्रोडक्शन होती है। अब यूरिक एसिड आप अंदाजा करें कि 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए आपको सिर्फ 1 मिलीलीटर वाटर की ज़रूरत होती है। यानी कि आप देख सकते हैं कि 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए 500 मिलीलीटर वाटर की रिक्वायरमेंट थी, यूरिया को रिमूव करने के लिए सेम क्वांटिटी 50 मिलीलीटर और यहाँ पर आपको जस्ट 1 मिलीलीटर वाटर की ज़रूरत होती है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो हैं वो यूरिक एसिड एज नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब इसी तरह ऐसा प्रोसेस जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड की फॉर्म में प्रोड्यूस होती हैं वो यूरिकोटेली कहलाएगा, और ऐसे ऑर्गेनिज्म यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। ये जो यूरियोटेली और यूरिकोटेली इवॉल्व हुई है या इन्वॉल्व हुई है एनिमल किंगडम के अंदर, दिस इज एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को एडेप्ट किया है एनवायरनमेंट में अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये जो एक प्रोसेसेस के अंदर है यानी यूरियोटेली और यूरिकोटेली, ये जो एवोल्यूशन यहाँ प्रोसेसेस के अंदर आई है इसी तरह ये स्ट्रक्चर्स के अंदर भी आई है। यानी ऑर्गेनिजम्स ने केमिकल, जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर भी एवोल्यूशनरी चेंजिंग्स लाए हैं, सिमिलरली स्ट्रक्चर्स के अंदर भी लेके आए हैं। जस्ट लाइक ये प्रोटोनेफ्रिडियम, मेटानेफ्रिडियम, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स एंड अल्टीमेटली इनटू किडनीज, ये एक जो स्ट्रक्चर्स हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए उनके अंदर भी चेंजिंग्स आई हैं। ये था आज का टॉपिक कि नाइट्रोजनस वेस्ट या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अपने हैबिटेट के लिहाज से कितनी तरह की होती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक फॉर्म है वो अमोनिया होती है, यूरिया जो है लेस टॉक्सिक है और ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाएगा थ्रू यूरिया साइकिल और ये प्रोसेस होता है लीवर के माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स के अंदर। और जो सबसे लेस टॉक्सिक फॉर्म है वो यूरिक एसिड है, यूरियोटेली या यूरिया और यूरिक एसिड का इवॉल्व होना ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, और ये जो एवोल्यूशन है वो सिर्फ इन केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर नहीं आई बल्कि ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स के अंदर भी आई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।